मॉर्निंग तो नहीं, आफ्टरनून हो चुका है और स्वागत करती हूँ आपका नए व्लॉग में। तो आज इतनी बारिश है कि क्या बताऊँ। अभी सुबह से बारिश होते होते अभी दिन होने वाली है, लेकिन बारिश नहीं रुकी, मतलब अभी भी हल्की हल्की हो रही है। और अभी 3 दिन तक तो बारिश बताया ही रखा कि बारिश होगी लगातार, तो अभी देखते हैं। और मैं भी ऐसी चिपकू चिपकू सी बनी हूँ आज, क्योंकि बारिश में बाल बहुत हेयर फॉल होता है। बारिश थोड़ा हल्की हो गई है पहले से, लेकिन अभी भी बारिश जारी है और रहेगी 3 दिन तक जारी, क्योंकि 3 दिन बारिश लगातार बताई है। हमारा वेट कर रहे हैं, लेडीज़ तो ज़्यादा टाइम लगाती हैं और जेंट्स हो जाते हैं 1 मिनट में टाइम। मेरी 2 क्यूटी पाई हो गई हैं रेडी विद माय रैबिट। हम लोग रेडी होके बैठे हैं, ऊपर वाले आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 10 मिनट बोल के 1 घंटा लगा दिया। अदू अदू देखो कहाँ बैठा है अपने मौसा जी के साथ। अदू गाड़ी कैसे चलती है, कैसे चलती है अदू गाड़ी? तो हम लोग चल पड़े हैं, हमें भी नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, और चलते रहते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। मेरे साथ बैठा है मेरा अद्दू, और अपनी मम्मी को याद भी नहीं कर रहा, उसकी मम्मा पीछे बैठी है और मेरी आरू पीछे बैठी है, सब पीछे बैठे हैं। और हमारा अद्दू सबको बाय करते हुए जा रहा है। अद्दू ये कौन है, छोटा बच्चा? हो गई है फिर से। जब घर से निकले तो बहुत हल्की थी, देखो मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है। पीछे दिखाती हूँ एक छोटा सा वो झरना जैसा है, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा। बच्चे देखो मौसा जी के साथ, अदू बहुत तेज हो गई है बारिश, और छाता एक ही, और अब इतने सारे जने हैं। तो रमेश परी और आरू चले गए, चेरी भी भाग के जा रही है। आगे एक छोटा सा झरना जैसा है, अब हम लोग भी वहीं पे जा रहे हैं। चलो अद्दू आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं झरने की साइड, छोटा सा झरना है, फिर देखते हैं आगे जाएंगे शायद। फिलहाल यहाँ तक चलते हैं, क्योंकि आज मौसम बड़ा प्यारा भी है और क्या बोले, बारिश भी हो रही है साथ साथ। बारिश में थोड़ा ये है कि दिक्कत हो जाती है फ़ोन वोन पकड़ने में और बाकी चीज़ें। आज बारिश में सोचा था ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन अच्छा खासा ट्रैफिक है यहाँ पे। आ जाओ। तो मैंने इनसे छाता ले लिया है, क्योंकि मैं भीगनी नहीं चाहिए ज़्यादा, और मेरे फ़ोन पे भी पूरा पानी गिर रहा है। मम्मी भी पूरे मजे ले रही है हमारे साथ बारिश की, वैसे कहीं जाती नहीं है बारिश में, लेकिन वो ये ना सबके साथ मज़ा आता है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ पे जो छोटा सा ये झरना जैसा था, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, तो हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे अच्छे से शूट भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर आएंगे। फाइनली मैं उस फॉल के पास आ चुकी हूँ, बहुत देर का वेट किया हमने। यहाँ पे जो कुछ लोग आ गए थे वो अच्छे से अपना एंजॉय करके चले गए हैं, और अब हमारा नंबर आया है। ये देखो बच्चे आ गए हैं फॉल के पास, कुछ ऐसा है, बड़ा प्यारा लग रहा है देखने में। ये पानी पूरा नीचे से रोड को जा रहा है, मन तो हो रहा है नहा लूं, लेकिन ठंडा लग रहा है मुझे आज। यहाँ पर थोड़ी देर वीडियो बना के फ़ोटो शूट करके और फिर देखते हैं कहाँ पे जाएंगे। और सारी सब पिक क्लिक कर रहे हैं, और बाकी लोग भी हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और सब मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे शायद आज बारिश की वजह से ज़्यादा ही तेज़ पानी जा रहा है, वरना और टाइम मुझे इतना नहीं लगा है, मैं पहले भी आई हूँ इस जगह पे। जो भी आ रहा है वो इस फॉल के पास तो ज़रूर रुक रहा है अपनी पिक क्लिक करने के लिए, और यहाँ पर मैं एक दो फ़ोटो भी वो करूँगी और वीडियो भी बनाऊँगी। फ़ोटो तो खैर क्लिक कर ही रहे हैं। तो हम सब वहाँ से अच्छी अच्छी पिक लेके आ गए हैं, और अब आगे चल पड़े हैं फिर से। काफ़ी सारे लोग आए वहाँ पे पिक लेने के लिए ना, क्योंकि बहुत प्यारा व्यू आ रहा था पीछे से। लेकिन बारिश जो है वो रुकी नहीं, भले हल्की हो रही है। तो हम लोग निकल पड़े हैं, गाड़ी हमने बैक कर ली है, यहीं से वापस जाना ठीक रहेगा क्योंकि बारिश नहीं रुक रही है। तो अभी थोड़ा और घूम के फिर निकलते हैं घर।
अच्छा आ गया माल देवता के केडीआर फार्म में। यहाँ पे तो काफी कीचड़ हो रखा है, ये बात नहीं मानते ना बच्चे, इतना कीचड़ पूरे कपड़े भी खराब कर लेंगे। पीछे आरू उधर चली गई, इधर थोड़े बहुत शायद इन्होंने खरगोश भी पाल रखे हैं, तो कई बार वो लोग उन्हें यहाँ पे छोड़ देते हैं तो वो घास वास खाते रहते हैं। आज तो बारिश इसलिए उन्होंने वो भी नहीं छोड़ रखा। ये आरू अपने पापा के साथ कोल्ड ड्रिंक लेके, आरू लिया कोल्ड ड्रिंक, पर ये अपने फेवरेट झूले में झूल रही है, उसको अपनी हाइट बढ़ानी है इसलिए वो ज़्यादा आगे तक जा तो नहीं पाती है, लेकिन हमेशा कोशिश करती है जब भी आती है। चलो तो गाड़ी में आके सब पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, पीछे वाले पीछे पी रहे हैं, आगे वाले आगे पी रहे हैं। और बारिश, ओह बारिश के बारे में आज कोई बात ही नहीं कर सकती मैं, बारिश में भी कितना लोग घूमने आते हैं आज पता चला। हम तो सोचते थे बारिश में लोग घर पे ही रहते हैं, जब बाहर निकलो तो पता चलता है पूरी पब्लिक बाहर ही रहती है, घर तो केवल आलसी लोग रहते हैं। तो मम्मी और दीदी लेने गए हैं समोसे और हम सब बैठे हैं गाड़ी में, तो हमने मम्मी और दीदी को बोला कि तुम दोनों जल्दी से जाओ और लेकर आओ, तो हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी में मम्मी और दीदी का। तो मम्मी और दीदी काफ़ी जल्दी समोसे लेकर आ गए, ऐसा लग रहा था दुकान में शायद बहुत कम भीड़ है क्योंकि बारिश के टाइम पे तो समोसे बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं, और दीदी बता रही थी कि काफ़ी ताज़ा ताज़ा समोसे हैं। मम्मी और दीदी लेकर आ गए हैं समोसे और बहुत तेज मेरे नाक में समोसों की खुशबू आ रही है, जल्दी से घर जाके चाय बनाएंगे और खाएंगे सब समोसे। मेरी आरू तो आज गाड़ी चलाना सीख रही है अपने पापा के साथ। चलाओ ऐसे आरू ऐसे नहीं करते, ऐसे चलाओ सीधे पकड़ के रखते हैं बस, पकड़ के ऐसे आगे अपने पहुंच गए हैं अपने घर और उतर रहे हैं सब गाड़ी से। अरे चलो चलो उतर जाते हैं भाई, चलो पहुंच गए हैं सब बच्चे अपने कपड़े चेंज करने गए हैं, और मैंने बस अपना स्कर्ट चेंज किया क्योंकि वो ज़्यादा भीग गया था। मम्मी और सीमा गए हैं शॉप में कुछ लेने के लिए, मम्मी और सीमा आ गए हैं कुछ सामान लेके, थैले भर भर के लाए हैं कुछ, बच्चे सब ऊपर भाग गए। तो आज चाय बना रही है सबके लिए परी, लेकिन मैं उसे देखती रहूँगी कि वो किस तरह से बना रही है। अच्छे से उसने ग्लास से मतलब नाप के जितने भी ग्लास रखना था वो रख लिया, और अब वो चाय पत्ती डाल रही है। काफ़ी टाइम मैंने इसके हाथ की चाय पी है, बहुत अच्छी बनाती है, इसलिए मैंने भरोसा करके चाय की बागडोर इसके हाथों में थमा दी। तो हमने चाय पी ली है और उसके साथ खा लिए हैं समोसे। तो परी ने बनाई थी चाय, बहुत अच्छी चाय बनाई थी। उस टाइम पे वीडियो शूट करना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जब बच्चे और सब रहते हैं तो इतना हल्ला होता है, तो बनाना तो इम्पॉसिबल रहता है। तो इसलिए मैं अब बता रही हूँ आपको कि हम चाय वाय पी चुके हैं, सीमा को नींद आ रही है पीछे क्योंकि दिन में बच्चे भी नहीं सोए, हम तो चले गए थे भी थोड़ा बहुत घुमा के ले आए क्योंकि पूरा टाइम बारिश आ रही थी पूरा टाइम, और बारिश में फिर मुश्किल हो जाता है ना, फ़ोन पे भी बारिश के छींटे छींटे आते रहते हैं तो दिक्कत होती है। तो जितना हो पाया शूट उतना मैंने किया, जितना नहीं हो पाया वो क्या कर सकते हैं। हेलो, तो हो चुकी है शाम और मैं भी कर लूँगी अपना काम और ब्लॉग को भी करूँगी यहीं पर एंड। तो मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आई होप जितना शूट कर पाई उतना किया क्योंकि बारिश थी, बारिश में थोड़ा दिक्कत होती है, और अद्दू शायद बहुत रो रहा है क्योंकि उसकी नींद खराब हो गई है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।